इस तरह से आप इडली बनाओगे तो बहुत ही आसानी से ये निकल आती है। देखिए कितने फटाफट ये निकल रही है। कितने बढ़िया इडली तैयार है। देखिए इतनी सॉफ्ट और स्पॉन्जी इडली बनी है। हेलो, मैं अंजलि गोठाने, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखते हैं ऑथेंटिक तरीके से सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी इडली। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। सबसे पहले हम 3 कटोरी चावल, पुराना वाला चावल लेना है, और 1 कटोरी उड़द दाल, आधा चम्मच मेथी दाना डाल के इसे हम धो लेते हैं। दो पानी से धोना है। हमने चावल धो लिया है, अब हम इसे पानी डाल के 5-6 घंटे तक ढक के रख देते हैं। हमारा दाल और चावल अच्छे से फूल गया है। अब हम इसमें मिक्सी के पॉट में डाल के इसे पीस लेते हैं। इस तरह से आपको बारीक पीसना है, और किसी बड़े बर्तन में इसे ट्रांसफर कर देना है। बर्तन को बड़ा ही रखना है। और इसे 8-10 घंटे ढककर रख दीजिए। देखिए कितना मस्त फर्मेंट हुआ है। अब हम इसमें डालते हैं नमक, स्वादानुसार नमक डाल दीजिए। अब हम एक एक करके लगा दीजिए। इडली पात्र में ऑयल लगा देना है ताकि हमारी इडली इसमें चिपके ना। बैटर को बहुत ज़्यादा फर्मेंट नहीं करना है, नहीं तो बैटर में खट्टापन आ जाता है तो इडली खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसी तरह से आपको बनाना है। पानी को पहले बॉईल कर लेना है और रख देना है। 10 मिनट के बाद हम देखेंगे। वाह, कितने बढ़िया इडली तैयार है।